जब भी हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो एक कॉमन डिश हम हमेशा ऑर्डर करते हैं, वो है बटर चिकन। तो आज हम बनाएंगे बटर चिकन ढाबा स्टाइल। तो बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी बटर चिकन बनाने के लिए आप रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। पहले हम चिकन मैरिनेट कर लेंगे। यहाँ पे हमने 700 ग्राम चिकन लिया है, बोनलेस पीस लिया है हमने। बोनलेस पीस यूज करने से बटर चिकन अच्छी बनती है, आप विद बोन पीस भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम डाल रहे हैं 2 चम्मच दही, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार और विनेगर डाल देंगे यहाँ पे 1 चम्मच। विनेगर के बदले आप नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं। अब सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ चिकन अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मैरिनेट करना है इसे। ऐसे मैरिनेट करके हम 1.5 से 2 घंटा छोड़ देंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है इससे चिकन। अब हम मसाला बना लेंगे। तो पैन में हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसमें हम बटर भी डालेंगे 1 चम्मच। अब यहाँ पे हम प्याज डाल देंगे। तो 2 मीडियम साइज का प्याज हमने रफली चॉप कर लिया है। वैसे भी प्याज को हमें बाद में ग्राइंड करना है, तो कैसे आप इसे कटिंग कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता है। और प्याज हम धीमे आंच में भून लेंगे थोड़ी देर तक, बस हल्का हल्का भून लेना है हमें। अब इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ टमाटर और 8 से 10 काजू भी हम डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 बड़ा चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, चिकन में भी हमने नमक डाला था। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन सारे मसालों को हम थोड़ी देर तक भून लेंगे, 3 से 4 मिनट तक ढक्कन बंद करके भूनेंगे, इससे ये नरम हो जाएगा जल्दी से। रोस्टेड कसूरी मेथी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा पानी भी हम यहाँ पे डाल देंगे, इससे सारी चीजें बहुत अच्छे से नरम होकर रेडी हो जाएगा। अब ढक्कन बंद करके हम थोड़ी देर इसे कुक कर लेंगे धीमे आंच में। तो ये देखिए लगभग 3 से 4 मिनट हमने इसे कुक किया है। मसाला हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम अब एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर देंगे। अब मसाले को हम अच्छे से ठंडा होने देंगे और फिर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। अब जब तक मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम चिकन भून लेंगे। तो पैन में हम फिर से थोड़ा सा तेल और 1 चम्मच बटर डाल देंगे। अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हम चिकन पीसेस यहाँ पे एक एक करके डाल देंगे। बहुत ज्यादा ओवरलोड हम नहीं करेंगे, पैन में जितना हो सके उतना ही चिकन हम यहाँ पे डालेंगे। और एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद हम पलट के दूसरा साइड भी फ्राई कर लेंगे। तो ये जो जूसी मसाले हैं पैन में, ये जब तक चिकन के साथ अच्छे से फ्राई हो के मिक्स ना हो जाए तब तक हमें चिकन फ्राई करना है। और चिकन यहाँ पे हम 80% तक ऑलमोस्ट कुक कर लेंगे। इस चिकन को आप स्टार्टर के तौर पे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। अब मसाला भी हमारा ठंडा हो चुका है तो इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे, एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। बटर चिकन की खासियत ये होती है, एक तो हम बटर यूज करते हैं और मसाला भी बिल्कुल बटरी होना चाहिए, यानी खड़े मसाले बिल्कुल नहीं रहना है। तो ये मसाले को हम स्ट्रेनर में बहुत अच्छे से स्ट्रेन करके जो मसाला निकलेगा उसी से हम कुकिंग को कंप्लीट करेंगे। अब जिस पैन में हमने चिकन फ्राई किया था अभी हम इसमें फिर से 1 चम्मच बटर डाल के गरम कर लेंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे मसाला जो हमने स्ट्रेन करके निकाला है। तो ये देखिए बहुत ही स्मूथ मसाला, और ये मसाला पहले से ही कुक किया हुआ है तो इसे हमें अब बहुत ज्यादा देर तक कुक नहीं करना है, बस अच्छा सा एक उबाल आने तक हम इसे कुक करेंगे। अब यहाँ पे हम चिकन पीसेस ऐड कर देंगे और इस स्टेज में हम यहाँ पे चॉप किया हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे। 2 मिनट कुक करेंगे लो फ्लेम में और फिर हम यहाँ पे कसूरी मेथी डाल देंगे जिसे हमने ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना लिया है। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। चिकन हमारा पहले से ही 80% कुक था, अब ये पूरी तरह से कुक होके बिल्कुल रेडी है। तो एकदम एंड में हम यहाँ पे 1 चम्मच और बटर डाल देंगे। बटर चिकन है, यहाँ पे बटर तो यूज होना ही है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं।
तो बटर चिकन हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। एकदम लास्ट में हम यहाँ पे फ्रेश क्रीम डाल देंगे। आप फ्रेश क्रीम सर्व करने के टाइम पे भी डाल सकते हैं। फ्रेश क्रीम डालने के बाद हमें इसे और कुक नहीं करना है। हमारा ढाबा स्टाइल बटर चिकन बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही फ्लेवरफुल है और बहुत ही टेस्टी है। आप इसे रोटी पराठा चपाती के साथ खाइए। उम्मीद है आप सबको बहुत ही पसंद आएगा।